हम किसी चीज को जब भी प्लस बोलते हैं, जब हमें वो व्यक्ति, स्थिति या वस्तु में कुछ खास या कुछ एक्स्ट्रा नजर आता है, राइट, तब हम उसको बोलते हैं प्लस। तो हम ये जानेंगे कि आज जो डेली प्लस है उसमें क्या खास और क्या एक्स्ट्रा आप सब लोगों के लिए है। इसी के साथ वेलकम, से हेलो टू डेली प्लस, टू से हेलो टू प्लस लाइफ। और जैसा कि मैंने बोला कि हमारा ये मानना है कि एक अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता, उसके साथ बहुत जरूरी है मानसिक स्वस्थता। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता मिलकर ही एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन बनाती है। और इसीलिए इस प्रोडक्ट में दोनों ही आयामों को बहुत ही प्रचुर मात्रा में स्वस्थ करने के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता देने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसीलिए इसे कहा गया है डेली प्लस और वेलकम टू प्लस लाइफ। तो हम देखेंगे इसमें कि इसमें क्या प्लस हुआ है। इसमें प्लस हुआ है विटामिन और मिनरल का डोज, मतलब उसकी क्वांटिटी, राइट। तो वो देखेंगे, हम जानेंगे और आगे कि उसमें और क्या क्या, किस किस विटामिन में कितनी कितनी क्वांटिटीज प्लस हुई है। और उसके साथ ही इसमें एक फॉर्मुलेशन में एक अद्वितीय और एक नया इनोवेटिव जो है वो डेवलपमेंट किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर दो लेयर है। नॉर्मली जब आप टैबलेट देखते हैं तो आपको एक लेयर दिखती है, वन लेयर टैबलेट होती है। इसके अंदर दो डिफरेंट लेयर है फॉर्मुलेशन में, और वो दोनों लेयर में ये भी खासियत है कि वो दोनों लेयर एक अलग अलग समय पर रिलीज होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, और अलग अलग समय पर आपको विटामिन और मिनरल्स देती है। और उसका राज भी हम जानेंगे कि ये फॉर्मुलेशन को इस तरह से क्यों प्रोड्यूस किया गया है। साथ ही इसमें है जितने भी हमारे प्लांट हैं, जो पौधे हैं, उनका कॉन्सेंट्रेट और उसको, उसकी पावर, और उसके बारे में भी जानेंगे कि कौन से खास प्लांट्स हैं जो कि इसमें डाले गए हैं, कॉन्सेंट्रेट डाले गए हैं, और उनके क्या बेनिफिट हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये प्रोडक्ट है प्लस 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 बेनिफिट्स, और उसके बारे में और चर्चा करने के लिए आगे चलते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि इसमें क्या विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि उनका लेवल को हाई किया गया है। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता है, इसमें है 24 विटामिन और मिनरल्स, जिसमें से 13 है विटामिन और 11 है मिनरल्स। अगर आप उनकी बात करें और ज्यादा, तो अब देखिए कि इसमें से जो 14 मिनरल्स और विटामिन हैं, इनकी क्वांटिटीज को काफी ज्यादा मात्रा में, जैसे कि 50 से 100% से भी ज्यादा मात्रा में बढ़ाया गया है कंपेरिजन टू हमारी पुरानी डेली से, राइट। पर ये, और ये सारे के सारे विटामिन जो, मिनरल जो हैं, वो 100% RDA वैल्यू पर आ गए हैं। तो अगर आयरन की बात करें तो पहले 7 mg था, जो कि अब 19 mg हो गया है, मतलब 100% से भी ज्यादा, राइट। और आपको पता है आयरन बहुत ही उपयोगी होता है हमारे होमोग्लोबिन को फॉर्म करने में और रेड ब्लड सेल को फॉर्म करने में, जो कि यूज करता है रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि हम लंग्स में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, राइट। और B12 है इसमें, जो कि पहले 1 mcg था, वो हो गया है 2.2 mcg, अगेन 100% से भी ज्यादा क्वांटिटी मात्रा में बढ़ चुका है इसके अंदर, राइट। और B12 जैसा आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और ऑल्सो हमारी जो नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको भी हेल्दी रखने के लिए। इसमें है मैग्नीज, जो कि 100% तक बढ़ चुका है, 2 mg से 4 mg तक। और आपको पता है मैग्नीज बहुत ही उपयोगी होता है हमारे जो कार्टिलेज है, जो हमारा कोलेजन का प्रोडक्शन है, और जो बोन है उसकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए। विटामिन अगर आप देखेंगे सी को, तो जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, वो हो गया है 40 mg से 65 mg, मतलब ऑलमोस्ट करीब 60 से 70% ज्यादा। बायोटीन, जो कि आपकी हेयर, नेल और स्किन के लिए यूजफुल होता है, वो भी बढ़ चुका है 25 mg से 35 mg पर। फॉस्फोरस, अगेन जो कि बहुत ही उपयोगी होता है हमारी बोन की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसकी भी क्वांटिटी करीब करीब 80% बढ़ चुकी है, 45 mg से 75 mg तक। और अगर B2 की बात करें, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी हो चुकी है 1.9 mg से
1.1 mg से 1.9 mg, राइट। और अगेन B2 जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी नर्वाइंस हेल्थ के लिए, राइट। क्रोमियम, जिसको कि हम जानते हैं कि बहुत ही उपयोगी होता है हमारे इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, और उस क्रोमियम की क्वांटिटी बढ़ चुकी है 33 mcg से 50 mcg, करीब 25% एक्स्ट्रा, राइट, 25-30% एक्स्ट्रा। विटामिन डी जो कि पहले 10 mcg था वो 50% से बढ़ के 50 mcg हो चुका है। जिंक जो कि करीब 32% बढ़ चुका है 10 mg से 13.2 mg। कॉपर जो कि करीब 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 10-20% बढ़ा है 1.35 mg से 1.7 mg। डायट्री फोलेट बढ़ा है करीब 10% 200 mcg से 220 mcg। और विटामिन B1 वो हुआ है 0.9 से 1.4 mg। और विटामिन ए जो कि बहुत ही उपयोगी होता है हमारे हमारी आई हेल्थ के लिए, वो हो चुका है 600 mg से 840 mcg। इन सब विटामिन्स और मिनरल्स के जो बेनिफिट्स हैं, जैसा कि हमने बोला आई हेल्थ के लिए यूज होता है विटामिन ए, हमारी नर्वाइन हेल्थ के लिए सारे बी विटामिन जी B1 B2 B12 B6 कॉग्निटिव कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ के लिए, जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मैंगनीज। बोन हेल्थ के लिए है हमारे इस प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस में विटामिन डी, जो कि हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, कहां से, इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में ले जाने के लिए। और साथ ही में है इसमें विटामिन के, जो कि हेल्प करता है उस एब्जॉर्ब हुए कैल्शियम को जो कि हमारी आर्टरीज के अंदर पहुंच चुका है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है बोन के अंदर, बोन के डिपोजिशन में, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम का सही स्थान कहाँ है, बोन के अंदर है, राइट। अगर वो वहां पर आर्टरीज में रह जाएगा तो वहां पर ब्लॉकेज भी प्रोड्यूस कर सकता है, और इसलिए बोन हेल्थ में हमारा विटामिन डी, विटामिन के, मैग्नीज और कैल्शियम, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये चारों का बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। अगेन हेयर हेल्थ, जैसे मैंने बताया आपको, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ और नेल हेल्थ के लिए बायोटीन है इसके अंदर। थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए आयोडीन भी है इस फॉर्मुलेशन। स्किन हेल्थ के लिए है विटामिन ई। रेड ब्लड सेल के लिए, जैसा कि हमने बताया था, आयरन, डाइट्री फोलेट और कॉपर इस फॉर्मुलेशन में प्रचुर मात्रा में। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए B3, फॉस्फोरस, B5 और डाइट्री फोलेट है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है विटामिन सी, जिंक और सिलेनियम। और जैसा मैंने बताया था आपको, पेनक्रेटिक हेल्थ के लिए, जो पेनक्रियास वो ऑर्गन है जहां से कि हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो मिनरल की आवश्यकता होती है, होता है क्रोमियम, और वो क्रोमियम आपकी डेली में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी है वो इस फॉर्मुलेशन में आती है। मोलिब्डेनम एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मिनरल है उसकी हेल्प से। तो आप देखिए, समझेंगे कि अगर ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स यहाँ पर हैं, तो ये ड्यूअल रिलीज, मतलब दो लेयर और दो तरह के रिलीज, DLDR, ड्यूअल लेयर और ड्यूअल रिलीज, दो लेयर फॉर्मुलेशन की और दो तरह के रिलीज से हमें क्या फायदा होने वाला है और उसकी क्या जरूरत है। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे इस फॉर्मुलेशन में दो लेयर्स, अगर आप एक लेयर देखेंगे जिसके अंदर के हमने पैक किए हैं 11 विटामिन और मिनरल, जो कि है हमारी इमीडिएट रिलीज लेयर, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट, जो कि ग्रीन कलर की है, राइट। और एक्सटेंडेड रिलीज लेयर है जो कि ब्राउनिश है, लाइट ब्राउनिश कलर की है, जो कि है एक्सटेंडेड रिलीज लेयर। और ये दोनों लेयर जो होती है डिफरेंट टाइम पर डिसइंटीग्रेट होती है, रिलीज करती है अपने मिनरल्स और विटामिन्स। तो अगर हम इमीडिएट रिलीज लेयर की बात करें तो ये 45 से 1 आवर्स के बीच में रिलीज कर देती है अपने सारे मिनरल्स विटामिन्स आपके स्टमक के अंदर, राइट, जिससे। और दूसरी जो एक्सटेंडेड रिलीज लेयर है वो 6 घंटे तक, लंबे आवर्स तक, जब तक कि आपकी टैबलेट इंटेस्टाइन के अंदर नहीं पहुंच जाती, क्योंकि हमारा स्टमक होता है उसका एम्प्टी टाइम होता है 2 घंटे। तो 2 घंटे के अंदर हमारी जो है, हमने बताया 45 मिनट के से 1 आवर के बीच में हमारी एक लेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब सारे मिनरल्स विटामिन हमें स्टमक में मिल जाते हैं। और जब ये टैबलेट मूव कर जाती है स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ, तो ये 6 घंटे तक लगातार और मिनरल्स और विटामिन को रिलीज करती रहती है, जो कि पैक्ड होते हैं 13 मिनरल्स और विटामिन से और 4 बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स से। अब बात करते हैं
कि इस स्लो एंड फास्ट कॉम्बिनेशन की हमें जरूरत क्या है, राइट। जब हम स्लो एंड फास्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, आप इसको समझिए। ये जो आपको कर्व बीच में दिख रहा है वो है हमारा स्टमक, ये इसोफेगस है। तो ये हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो पूरा जीआई ट्रैक है, उसको हमने यहाँ ड्रॉ किया है। वैसे तो इसकी लेंथ जो होती है वो करीब करीब 9 मीटर लंबी होती है, राइट, 28 से 30 फीट लंबी, पर हमने यहाँ छोटा सा आपके लिए ड्रॉ किया आपको ये दिखाने के लिए इसमें डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसोफेगस जो सबसे पहला पार्ट होता है, जहां जो भी कनेक्ट करता है हमारे मुंह को हमारे स्टमक से, और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है हमारे खाए हुए फूड को और सप्लीमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना मुंह से स्टमक के अंदर। स्टमक जहां पर की काफी हाईली एसिडिक कंडीशंस होती है, जो कि उसका प्राइमरी काम होता है हमारे जो फूड है उसको एक तरह से प्रिपेयर कर देना, मिक्स कर देना सारे की सारे एसिड और एंजाइम के साथ में, और वहां पर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है कॉपर का, आयोडीन का और मोलिब्डेनम का। और जो ड्यूडेनम है वो भी स्टमक का एक्सटेंडेड पार्ट है, मतलब वो पार्ट जहां सर की स्टमक से जब फूड ट्रांसफर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बीच का जो पार्ट होता है स्टमक से इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, राइट। वो स्टमक का एक्सटेंडेड पार्ट समझ सकते हैं आप। उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सिलीनियम, बायोटिन और डाइट्री फोलेट और विटामिन ए, डी और ई। इसीलिए ये सारे मिनरल्स और विटामिन है आपकी इमीडिएट लेयर में, ताकि वो जहां पर एब्जॉर्ब होते हैं प्रेडोमिनेंटली वहीं पर रिलीज हो जाए, ताकि आपको मिले वो प्रचुर मात्रा में और पूरी मात्रा में। और उसके बाद जो आप जेजुएनियम और इलियम देख रहे हैं, ये ऐसी दो पार्ट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। पहला पार्ट होता है जेजुएनियम, जहां की पर प्राइमरीली डायट्री फोलेट, विटामिन, बायोटिन, विटामिन सी, विटामिन ए, डी, ई, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन और ये सारे इंग्रेडिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, राइट, जिंक, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम। और उसके बाद जो हमारा इलियम होता है, जो सेकेंड पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर होते हैं हमारा विटामिन के, डी, बी3, बी5 और मैग्नीशियम और बी12, ये प्रीडोमिनेंटली यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, राइट। इसीलिए ये जो फॉर्मुलेशन है ये लंबे समय तक हमारे इंटेस्टाइन में बना रहता है और रिलीज करता है इन विटामिन और मिनरल्स को इनकी एब्जॉर्प्शन की साइट पर। और ऑफकोर्स जो बायोटिन और विटामिन के है वो प्रीडोमिनेंटली एब्जॉर्ब होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बेहतर है कि इन विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराया जाए या रिलीज किया जाए उस लोकेशन पर जहां पर कि इनका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। तो अब देखते हैं कि एक वीडियो के माध्यम से कि ये टैबलेट जो होती है किस तरह से डिसइंटीग्रेट होती है दोनों लेयर सेपरेटली। ये देखिए हमारी नई डेली प्लस जो है वो स्टमक में जा चुकी है और डिसइंटीग्रेट हो चुकी है पहली लेयर, जो कि हमारी इमीडिएट लेयर थी, पर देखिए जो एक्सटेंडेड रिलीज लेयर है वो अभी भी नीचे पूरी तरह से दिखाई दी पड़ी है। हम देखेंगे कि 3 घंटे के बाद में भी वो पार्शियली रिलीज हुई है। आप देखेंगे अभी भी नीचे थोड़ी सी टैबलेट का पोर्शन हमें मिलेगा, क्योंकि 3 घंटे बीत चुके हैं इस टैबलेट को और अभी भी ये पार्शियली रिलीज हो रही है। अब ये 5 घंटे बाद अभी भी डिसोल्यूशन कंटिन्यू हो रहा है और अब देखिए 6 घंटे में ये टैबलेट पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुकी है और डिसॉल्व हो चुकी है। और यही है पावर हमारी नई डेली प्लस का, जो कि मिलती है आपको 2 डिफरेंट लेयर्स में और 2 डिफरेंट रिलीज प्रोफाइल के अंदर। अब देखते हैं पावर ऑफ प्लांट कॉन्सेंट्रेट, वो कौन से प्लांट कॉन्सेंट्रेट है जो कि आपको इस डेली प्लस में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलेंगे आपको सिलेक्टेड बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि है पर्पल कैरेट, 4 डिफरेंट इंग्रेडिएंट, एसरोला चेरीज, एल्डरबेरी और गोटूकुला। इसमें से जो एसरोला चेरी है, पर्पल कैरेट और एल्डरबेरी है, ये हमारे न्यूट्रलाइट फॉर्म से आते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं हमें फाइटोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो फिर देखते हैं कि गोटूकुला क्या करता है। गोटूकुला है हमारा यहाँ पर हीरो बॉटनिकल, जो कि आता है आयुर्वेदा से, आयुर्वेदिक साइंस से, एंशिएंट विजडम ऑफ इंडिया की एंशिएंट विजडम से, और ये हेल्प करता है हमारे को हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ एंगर में, और देता है कामिंग इफेक्ट। और ये इसको ऐड किया गया है, क्लिनिकली टेस्टेड डोज जो होता है वो 3 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, अगर आपको गोटूकुला वैसे खाना पड़ेगा, अगर बाहर से अगर आप इसे लेंगे तो आपको 3 ग्राम तक क्वांटिटी खानी पड़ेगी, पर हमने क्या किया है उस गोटूकुला के 3 ग्राम को लेके उसका कॉन्सेंट्रेट जो यूजफुल इंग्रेडिएंट है उसके
जो कि हेल्पफुल करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में और कामिंग इफेक्ट देने में, उनका कॉन्सेंट्रेट को यूज करके इस फॉर्मुलेशन में डाला है, जो कि आपको उतना ही क्वांटिटी में मिलेगा अगर आप 3 ग्राम की इक्विवेलेंट हर्ब्स खाएंगे, जो कि क्लिनिकली प्रूवन है कि अगर आप 3 ग्राम हर्ब्स खाएंगे तो आपको वो ये सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखते हैं बेनिफिट्स। तो जैसा मैंने आपको कहा, यह है एक संपूर्ण स्वास्थ्य का फॉर्मुलेशन, मतलब ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य बट आपका मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। तो फिजिकल हेल्थ में जैसे कि आपकी इम्यूनिटी हो गई, एनर्जी लेवल्स हो गया, नर्वाइन हेल्थ हो गई, और भी बहुत सारी हेल्थ की हमने बात की। हमने बात की रेड ब्लड सेल्स के हेल्थ की, हमने बात की आपकी आई हेल्थ की और बोन हेल्थ की। उन सब हेल्थ को फिजिकल हेल्थ में सपोर्ट करता है फॉर्मेशन। बट उसके अलावा इस फॉर्मेशन में आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में, कामिंग इफेक्ट और मेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो गोटुकुला और डाला गया है क्लिनिकली इफेक्टिव डोज पर, उसका भी बेनिफिट मिलता है। अब तो हमने इसको टेस्ट भी किया है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये टेक्नोलॉजी होती है बड़ी ही एक्सपेंसिव और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती है, जो कि टिपिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज की जाती है नई ड्रग्स के आविष्कार करने में। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप इसको सिस्टम बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, मतलब बायोलॉजी हमारी जो बॉडी है वो हमारी एक शारीरिक बायोलॉजी है, सिस्टम बायोलॉजी मतलब कंप्यूटर की बायोलॉजी, मतलब कंप्यूटर के अंदर एक सारा का सारा बायोलॉजिकल सिस्टम डेवलप किया हुआ होता है। और जब हम इस फॉर्मुलेशन को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बेनिफिट्स जो है उसको हम असेस कर सकते हैं। और ये स्टडी की गई है मेटफ्लेक्स कंपनी के अंदर, जो कि रन की जाती है एक आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर के द्वारा। और उसमें देखिए हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने देखा कि स्ट्रेस लेवल एक इंडिविजुअल का विदाउट किसी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के 30 के ऊपर था, 30 एक पैरामीटर को मान लेते हैं कि हम 30 एक पैरामीटर है स्ट्रेस लेवल का, और जब हमने इंट्रोड्यूस किया हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट तो वो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होके 30 से रिड्यूस होके 25 के नीचे आ गया। पर जब हमने सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए थे तभी वो उसमें इतना बेनिफिट हुआ, पर जब हमने सिर्फ गोटुकुला को दिया इंट्रोड्यूस किया तो वो जो है रिड्यूस होके 20 से भी नीचे आ गया। पर देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जब हमने गोटुकुला और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर जो हमारा डेली प्लस फॉर्मेशन था उसको इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर इस सिस्टम में, तो वो 10 से भी नीचे आ गया, स्ट्रेस लेवल को करीब करीब 66% रिड्यूस कर दिया इस फॉर्मुलेशन में, इस सिस्टम बायोलॉजिकल कॉन्फिगरेशन में। तो अब देखते हैं कि इसके जो मिनरल्स और विटामिन से अगर उनको हम कोरिलेट करें तो हमें कितने सारे डिफरेंट फूड होते हैं उनका बेनिफिट मिलता है, जो कि ईट हार्ड और ईट स्मार्ट का एक हिस्सा है, राइट। जैसे कि इसमें विटामिन ई जो है, अगर वो स्ट्रॉबेरी से कंपेयर करेंगे आप तो 233 स्ट्रॉबेरी के बराबर विटामिन ई मिलता है। जो पम्पकिन है वो 16 कप्स कम पम्पकिन के बराबर विटामिन सी मिलता है, राइट। 7 फिलेट्स ऑफ सालमन फिश के बराबर विटामिन डी मिलता है, राइट। 950 ग्राम कैश्यू नट के बराबर विटामिन ई मिलता है। 12 एग्स के बराबर B12 मिलता है। 21 बनाना के बराबर बायोटीन मिलता है। और 26 कप और करीब करीब 28 कप जो ग्रीन बीन्स है उसके बराबर हमें आयरन मिलता है। और जवार की रोटी, 6 जवार की रोटी के बराबर हमें इसमें कैल्शियम मिलता है। 23 कप स्पेनेच खाने के बराबर हमें इसमें क्रोमियम मिलता है। और 28 कप रागी के बराबर हमें जिंक मिलता है। जितना कि 28 कप रागी खाएंगे तब मिलेगा जितना जिंक, उतना जिंक हमें उसे एक टैबलेट में मिलता है, राइट। और 15 कप बीटरूट खाएंगे तब जितना मैंगनीज मिलेगा उतना बराबर मैंगनीज हमारे को एक टैबलेट मिलता है, जो कि मिलता है। और उसके अलावा 13 मिनरल्स और विटामिन और भी होते हैं इसके अंदर, जिसके भी डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। और ये सब मिलता है हमें एक टैबलेट में, जिसकी ये कॉस्ट आती है 23 रुपीज ओनली। तो आप देखिए इस फॉर्मुलेशन को 120 पैक्स की प्राइस जो है वो दी गई है MRP 2796, जो कि करीब करीब सिर्फ 13% ज्यादा है हमारी करंट डेली से। इतनी कम इंक्रीज कॉस्ट के बाद भी इतना सारा इनोवेशन, इतने सारे इंक्रीज क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स और विटामिन और बेनिफिट ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक हेल्थ का बेनिफिट के बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स और टेक्नोलॉजी, जो कि इंश्योर करती है कि आपके विटामिन और मिनरल्स पहुंचे आपकी सही एब्जॉर्प्शन साइट पर, उसके बेनिफिट्स के साथ में इस फॉर्मुलेशन को लॉन्च किया गया है।
इसकी एनएसवी जो है वो है 2,238 रुपए और आपको पॉइंट्स मिलते हैं 23.98। और बहुत ही पॉपुलर डिमांड के लिए हमने इस प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया है 30 के पे, जो कि आता है बहुत ही अट्रैक्टिव एमआरपी, बहुत ही डोर ओपनर एमआरपी के ऊपर, जो कि होती है 849 रुपीस की और बायर प्राइस जो होगा वो उसका होगा 793। एनएसवी पॉइंट मिलते हैं इसमें आपको 618 और आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलता है 7.27। तो ये है इसका 30 का पैक्स। और इसी के साथ मैं आपको स्वागत करता हूं, आपको सदाऊं कि आपके बिग राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ स्वागत करिए न्यूट्रलाइट डेली का।